कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद साहब से अभी मिले और उनको पूरे वीडियोज़ हम बता दिए हैं और एक्चुअली लड़ाई का रीज़न क्या था ये तमाम चीज़ हम कमिश्नर ऑफ पुलिस को समझा दिए हैं। और कमिश्नर साहब बोले जो भी हक और ईमान का होगा और जो भी करेक्ट होगा उसको हम अमल कर देंगे और बराबर जो भी पुलिस के डंडे निकाल के मारे तो बराबर वो लोगों को केस में बुक करेंगे। और मैं एरिया पीएस को भी इंस्ट्रक्शंस दूंगा और टास्क फोर्स को भी दूंगा और जितने भी लोग हैं जिसके ऊपर भी केसेस है बराबर उनके ऊपर राउडी शीट खोलेंगे, हिस्ट्री शीट खोलेंगे, बराबर सस्पेक्ट शीट खोलेंगे और बराबर ट्रैक करेंगे और 100% आपको हम जस्टिस दिलाएंगे। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद, जय कांग्रेस। करने का काम कभी भी MIM का रहता, हम आपको पहले से बोले इलेक्शन जब भी होता तो बोकर सिंह और उसके बाद में गुंडागर्दी, राउडी शीटरों को पूरों को टीम ले लेके फिरते कौन, माजिद हुसैन फिरते, हमारे पास कोई राउडी शीटर नहीं है। और जो बच्चे का जिक्र करे कल उन्हें पलटा के बोला कि मैं यूथ कांग्रेस का मेंबर हूँ और मेरे ऊपर एक पेटी केस नहीं है, सिंपल एक लॉजिक। आज मैं कमिश्नर को पूरे सबमिट करा, पूरे जितने भी रउडियाँ हैं, हिस्ट्री शीटरा हैं, जितों के पास भी केसेस है पूरों के मैं प्रूफ्स के साथ सबमिट करा। आप भी सबमिट करिए, अगर चाहे तो आपके पास पब्लिक में लाइए, मीडिया के सामने लाइए। सो बेकार बाता राइट, अटैक करना, हमला करना, ये MIM का काम है। फिरोज खान का काम कभी भी अमन और शांति मेंटेन करना। जय हिंद, जय कांग्रेस।